हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कल बताया था कि ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले एक घोषणा की गई थी जो 26 तारीख के लिए की गई थी दोस्तों कल, कि भारतवर्ष में जितने भी पीएसएल कंपनी के निवेशक हैं वह सभी अपने क्षेत्रीय सेवी विभाग कार्यालय पर जाकर धरना दें। तो दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट हमारे सामने भास्कर नेटवर्क से आई है जो 26 नवंबर की है। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं कि पूरी रिपोर्ट जयपुर की क्या है। पीएसएल के पीड़ितों ने सोमवार को जयपुर के सेबी के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना दिया। धरनार्थियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सेबी के अधिकारी पीड़ितों को राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में करीब 28 लाख लोग के 3,500 करोड़ रुपये अधिक राशि फंसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ही प्रदेश की राशि बताई जा रही है। पीड़ितों के संगठन AISO के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सीबी यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्ति CJE RM लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। उन्हें PSL की संपत्ति को लीलाम कर 6 माह में भुगतान करना था। कोर्ट के फैसले के 3 वर्ष 4 माह गुजर चुके हैं और अभी तक पीड़ितों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ हमारे पास जो इस वक्त आई है दैनिक भास्कर नेटवर्क के द्वारा आई है, और इसमें ये कारगुजारी दी गई है कि कल AISO के संगठन के द्वारा जयपुर सेवी विभाग पर एक बड़ा धरना दिया गया। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, साथ के साथ हमारी बेल आइकन के साथ ज्वाइनिंग बटन दबाना ताकि आपको और अधिक जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यश खान को दे ज़्यादा।